माय क्यूरियस फॉलोअर्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। जैसे कि आप जानते हैं, हमने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की लेक्चर की सीरीज स्टार्ट की हुई है और आज हम इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं, जो होगा ट्रांसलेशन के ऊपर, यानी कि एमआरएनए से प्रोटीन कैसे बनती है, प्रोटीन की सिंथेसिस कैसे होती है, इसमें आरआरएनए का क्या रोल है, इसमें जो है वो टीआरएनए का क्या रोल है, आइए देखते हैं। माय क्यूरियस स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है ट्रांसलेशन के ऊपर और हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल और इन डेप्थ जाके कि एमआरएनए से प्रोटीन कैसे बनती है, या इन दी अदर वे हम यू कह सकते हैं कि हमारे न्यूक्लियोटाइड्स कैसे ट्रांसलेट होते हैं अमाइनो एसिड की फॉर्म में। और अगर इसके हम सेकंड स्टेप की बात करें तो उसमें हम क्या देखते हैं कि एमआरएनए की ये जर्नी है न्यूक्लियस से राइबोसोम में, यानी कि हमारा डीएनए और हमारा आरएनए कहां सिंथेसाइज होते हैं, न्यूक्लियस में, जबकि हमारी प्रोटीन कहां बनती है, राइबोसोम के अंदर। तो ये एक सफर है एमआरएनए का राइबोसोम तक जाने का। हम इसके थर्ड पॉइंट की बात करें तो यहां पे हमारे पास ये तीनों आरएनए इसमें इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि एमआरएनए जिसके पास इंस्ट्रक्शन होती है न्यूक्लियस में वो इसमें इन्वॉल्व होता है, फिर उसके बाद आरआरएनए जिससे राइबोसोम बनता है और ये एक वर्क स्पेस प्रोवाइड करता है ट्रांसलेशन के लिए, और फिर थर्ड वन टीआरएनए जो कि इसका मेन वर्कर है या मेन प्लेयर है ट्रांसलेशन को कराने के लिए, जो कि नॉर्मली पाया जाता है साइटोप्लाज्म में। तो ये तीनों आरएनए मिलकर ट्रांसलेशन का काम करते हैं। और जब हम बात कर रहे हैं टीआरएनए की, तो टीआरएनए से ही रिलेटेड एक एंजाइम है जो कि ये सारा ट्रांसलेशन का प्रोसेस परफॉर्म करता है, जिसका नाम क्या है, अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। ओके जी, अब हम फर्दर देखते हैं कि हमारे पास ये जो तीनों जो है आरएनए हैं, ये किस तरीके से जो है वो रोल अदा करते हैं ट्रांसलेशन में। सबसे पहले आपको पता है कि डीएनए से क्या बनता है, हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन होती है और आरएनए बनता है थ्रू ट्रांसक्रिप्शन बबल, और फिर वही आरएनए फिर क्या हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, क्यों, कि इस आरएनए ने मूव करना है न्यूक्लियस से राइबोसोम में, जबकि अगर ये आरएनए नेसेंट फॉर्म में साइटोप्लाज्म में आएगा तो ये डिग्रेड हो जाएगा, तो इसलिए इसकी मैच्योरिटी होती है, जिसको हम पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में डिस्कस कर चुके हैं, यानी कैपिंग, स्प्लाइसिंग और टेलिंग की बात कर रहा हूं। फिर यहां से ये मूव करता है कहां पे, राइबोसोम में, जहां पे प्रोटीन की सेंसेस होती है, जैसे कि आपको यहां पे एक डमी जो इमेज में नजर आ रहा होगा कि किस तरीके से टीआरएनए आ रहे हैं और एमआरएनए के ऊपर आके लग रहे हैं, और लगने के बाद जो वहां से अमाइनो एसिड की सेंसेस हो रही है और राइबोसोम में ये सारा काम हो रहा होता है। फर्दर हम इसको आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे। ओके, अगर हम टीआरएनए की बात करते हैं, वेरी फेमस स्ट्रक्चर जो पिछले लेक्चर में आपके सामने मैं शेयर कर चुका हूं, यानी इसका 5 एंड होता है, उसका 3 एंड होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका 3 एंड, जहां पे अमाइनो एसिड की अटैचमेंट होती है, देन इसके डिफरेंट किस्म की इसकी लूप्स होती है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट लूप क्या होती है, एंटीकोडान लूप होती है, जो कि हमारे पास एमआरएनए में जो कोडान होता है उसके साथ लिंक करती, कॉम्प्लीमेंट्री होती है, और जिससे हमारे अमाइनो एसिड की सिंथेसिस होती है। हम टीआरएनए की अगर वर्क की बात करते हैं, देखिए मैंने एक डमी साइज में जो आपके सामने बनाया हुआ है इस वीडियो में, देखें कि एक टीआरएनए आके लगता है कार्डिंग टू एंटीकोडान एंड कोडान, और फिर दूसरा आके लगेगा, और उसके साथ साथ जो है दूसरा लगेगा उसके ऊपर प्रोटीन की सेंसेस, मैथ्यूनिन आ गया, प्रोलीन आ गया, एंड देन सो ऑन, इस तरीके से जो है वो हमारे टीआरएनए आते रहेंगे और एमआरएनए के ऊपर जो है वो सेंसेस करते रहेंगे और राइबोसोम के अंदर ये सारा काम हो रहा होगा। जैसे कि आप थर्ड पिक्चर में देखें तो हमारे पास सबसे मेन प्लेयर जिसको हम कहते हैं अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज, वो सारे के सारे टीआरएनए लेके आ रहा होता है। बात करें आरआरएनए की, ये राइबोसोमल आरएनए की, तो यहां पे हमारे पास सिर्फ दो यूनिट होते हैं इसके, एक लार्जर यूनिट होता है, एक स्मॉलर यूनिट होता है, चाहे वो प्रोक्रियार्ट्स हो चाहे वो यूक्रियार्ट्स हो। आज के एग्जांपल में हम डिस्कस करेंगे प्रोक्रियार्ट्स को, सेम उसी तरीके से देखिए यहां पे राइबोसोम का रोल उतना ही इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रोटीन की सेंसेस में वैसे ही इन्वॉल्व होता है। येलो कलर में आपको राइबोसोम के दोनों यूनिट्स नजर आ रहे हैं, ठीक है, और ये आके जो है इस तरीके से एमआरएनए के ऊपर लगते हैं, और फिर लगने के बाद जो आगे ये जो प्रोटीन की सेंसेस स्टार्ट करते हैं। कि जब हम इन डिटेल और इन डेप्थ में जाकर देखते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीन सेंसेस या ट्रांसलेशन कैसे होता है, तो यहां पे देखिए आपके सामने येलो कलर में एक स्ट्रिप नजर आ रही है, ये जो स्ट्रिप हमारे पास ये किसकी है, मैच्योर मैसेंजर आरएनए की है, एमआरएनए की है, और यहां पे देखिए ये जो मैच्योर एमआरएनए है इसके पास क्या अवेलेबल है, सारे क्या है, ये कोडान्स हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, ये कोडान जो है हमने डीकोड करने हैं राइबोसोम में रहते हुए विद द हेल्प ऑफ टीआरएनए, तो हमारे अमाइनो एसिड की सिंथेसिस होना शुरू हो जाएगी। कैसे होती है आइए देखते हैं। अब ये जो ग्रीन कलर में आपको नजर आ रही है, दो सब यूनिट्स हैं किसके, राइबोसोम्स के। स्मॉलर यूनिट को हम 30S कहते हैं प्रोक्रियार्ट्स में, जैसे यहां पे मेंशन है, और जो लार्ज यूनिट्स को हम 50S कहते हैं। अब इन दोनों यूनिट्स के दरमियान में अगर आप देखें तो आपको यहां पे ये साइट्स नजर आ रही हैं, ए पी ई, इसको हम नॉर्मली रिकॉल करने के लिए इपा भी कहते हैं। ए से यहां से मुराद अटैचमेंट, किसकी अटैचमेंट, टीआरएनए की अटैचमेंट, क्योंकि टीआरएनए के पास क्या होता है, उसकी एंटीकोडान लूप में जो एंटीकोडान अवेलेबल होता है जो कि डीकोड करता है एमआरएनए के कोडान को,
ठीक है, जो कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे की होती हैं। फिर पी, पी स्टैंड फॉर प्रोटीन सेंसेस या प्रोडक्शन, तो यहां पे हमारे पास जो अमीनो एसिड जो आगे यहां पे इसकी सेंसेस स्टार्ट होती है। यहां पर आगे आ जाएगा ई, ई फॉर एग्जिट, एग्जिट मीन टू से दैट जैसे अमीनो एसिड यहां से डी अटैच हो जाएगा, यानी कि उस इंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंगली हम अमीनो एसिड यहां बना लेंगे, तो ई से आके यहां से इसको एग्जिट करके दोबारा इसको साइटोप्लाज्म में भेज दिया जाएगा। ओके जी, सबसे पहले यहां पर हमारे पास आएगा अटैचमेंट साइट पे tRNA, और 20 अमीनो एसिड्स हैं तो 20 ही tRNA हमारे पास साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। हर अमीनो एसिड का अपना tRNA होता है और हर tRNA के नीचे उसका एंटीकोडान होता है। फॉर एग्जांपल यहां पे देखें, वैलिन के लिए यहां पे एंटीकोडान है CAA, ठीक है, और इसका कॉम्प्लीमेंट्री हमारे पास क्या होना चाहिए, GUU, ये कोडान हमारा mRNA में, ठीक है। तो इस mRNA की बेस पे जो भी mRNA का यहां कोडान होगा तो उसकी बेस पे यहां पे हमारा राइबोसोम जो है सिर्फ उसी tRNA को कॉल करेगा जिसके पास ये एंटीकोडान होगा, तो यानी कि ये दूसरे एक दूसरे के क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। और अब नेक्स्ट क्या होगा कि ये जो वेलिन का जो tRNA है CAA के एंटीकोडान के साथ, ये आके अपने कोडान के साथ यहां पे आके अटैच हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री जो है बेस उसके साथ बना लेगा और ये फर्स्ट टाइम में अटैचमेंट आ जाएगी। सेकंड टाइम में होगा, सेकंड स्टेप में ये मूव कर जाएगा अटैचमेंट साइट से कहां पे, प्रोडक्शन की साइट पे, ठीक है, और वहां पे जाके ये वेलिन को यहां पे डी अटैच करेगा, ये देखिए ऐसे आपको अभी नजर आएगा, और यहां से खुद जो tRNA वहां से क्या हो जाएगा, डी अटैच होकर साइटोप्लाज्म में चला जाएगा और बाकी छोड़ क्या देगा, ये स्टेप इसी तरीके से रिपीट, यानी कि जैसे ये एक tRNA यहां पे आया वेलिन का, फिर इसके बाद हमारे पास सेरीन का आएगा, फिर जो है ग्लाइसिन का आएगा, फिर ल्यूसीन का आएगा, फिर सेरीन का आएगा, फिर टायरोसिन, दैट सो ऑन। बड़ा सिंपल सा, बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सा मेथड मैंने आपके सामने अभी ये शेयर किया है। आइए आप देखते हैं इन डिटेल और इन डेप्थ जाके कि इनके रिएक्शंस कैसे होते हैं। तो इनके रिएक्शन तीन स्टेप्स में होते हैं, इनिशिएशन, इलांगेशन और टर्मिनेशन में। तो इनिशिएशन क्या है, जैसे मैंने आपको पीछे फिगर में बताया था, आप उस फिगर को माइंड में रखें मैकेनिज्म वाली को, तो आपको यहां से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले 30S यूनिट आता है और उसके साथ इनिशिएशन फैक्टर्स आते हैं। कौन से इनिशिएशन फैक्टर होते हैं, IF1 और IF3, यानी कि इनिशिएशन फैक्टर 1 और 3 इसमें आते हैं, 30S के साथ आके ये अटैच हो जाते हैं। उसके बाद IF2, जिसके पास क्या होती है, GTP, यानी कि जिसके पास जो है एनर्जी होती है, और प्लस उसके पास क्या होता है, मैथ्यून, फरमाइल मैथ्यूनिन tRNA F होता है, जो कि इनिशिएशन करता है प्रोटीन की सेंसेस की, यानी कि प्रोटीन की सेंसेस में सबसे पहला जो अमीनो एसिड आएगा वो हमारे पास होगा फरमाइल मैथ्यूनिन, और साथ इसके क्या होगा, mRNA होगा। जैसे इस कॉम्प्लेक्स में ये आके ऐड होगा तो यूं हमारे पास ये नया जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसमें IF1 भी होगा, IF3 भी होगा, और ये जो हमारे पास IF2 है इस GTP की मदद से फरमाइल मैथ्यून ये अटैच होगा कहां पे जाके, AUG, यानी कि स्टार्ट कोडान के साथ जो mRNA में पाया जाता है, और यूं हमारे पास जो है ट्रांसलेशन यहां से इनिशिएट हो जाएगी, IF2 इसमें ये इसका रोल अदा करेगा। फर्दर क्या होगा, यहां पे हमारे पास IFN2 और IF3 जो है फैक्टर दोनों निकल जाएंगे, 50S सब्स्टिट्यूएंट्स यहां पे आए, साथ इसके वाटर होगा, और यहां से ये IF2 और GTP यानी कि एनर्जी को यूटिलाइज करते हुए 30S के साथ 50S आके जैसे लगेगा, तो यहां पे ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा 70S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। आप सोच रहे हो कि 50 और 30 80 होता है, तो ये यहां पे 70, क्योंकि यहां कुछ रीजंस का क्या होगा, ओवरलैप होगा, और यूं ये इनिशिएशन फैक्टर में सबसे पहले जो हमारे पास अमीनो एसिड बनता है वो मैथ्यूनिन होता है, और सबसे पहले जो कोडान आता है वो AUG होता है। आइए देखते हैं इलोंगेशन, बड़ा ही जबरदस्त और इंटरेस्टिंग स्टेप है। ये देखिए यहां पे ईपा अवेलेबल है, EPA, ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, पी पे हमारे पास ये जो आपको रॉड फॉर्म में नजर यहां पे चीज आ रही है टनल में, ये हमारे पास क्या है, अमीनो एसिड tRNA सिंथेटेस, ठीक है। आइए फर्स्ट स्टेप में देखते हैं क्या होता है, यहां पे अमीनो एसिड tRNA बाइंडिंग होती है, यानी कि कोई भी जो हमारे पास tRNA का उसके साथ अमीनो एसिड tRNA जरूर होगा, एंजाइम जरूर होगा। ये ग्रीन कलर में जो रॉड आपको नजर आ रहा है ये आके ए साइड के ऊपर अटैच हो गया, ये देखें येलो कलर में ए साइड से उसके ऊपर अटैच हो गया, और जो आगे हमारे पास पी साइड में ब्लू कलर में पड़ा हुआ tRNA वो आगे मूव करेगा, ठीक है। पेप्टाइड बांड यहां बनेगा, ये देखिए इनके इनके जो हेड के ऊपर क्या अमीनो एसिड्स अवेलेबल हैं, ठीक है, तो ये जो अमीनो एसिड्स हैं आपस में क्या बना देंगे, यहां पर देखिए ये पेप्टाइड बांड बनाएंगे, ठीक है, और जैसे ये पेप्टाइड बांड बनाएंगे तो आप इनकी यहां से क्या होगी, ये जो हमारे पास ब्लू कलर था वो ईस्ट साइड के ऊपर चला गया 50S में जो था, और अब आप जो नेक्स्ट हमारे पास जो है अमीनो एसिड tRNA है जो ग्रीन कलर में है वो आप यहां से ट्रांसलोकेट होगा, और पोजीशन किस पे आ जाएगा, पी साइड के ऊपर आ जाएगा। अभी देखते हैं इसको, ये GTP को यूज करते हुए और एलॉन्गेशन फैक्टर को यूज करते इसकी क्या होगी, ट्रांसलोकेशन होगी। येलो कलर में ए साइड यहां फ्री हो चुकी है, और जो जो हमारे पास पी साइड है वहां पे ग्रीन जो है tRNA आ चुका है, और ऊपर देखिए पहले जो है ब्लू वाला था, ब्लू का एक अमीनो एसिड था, अब या ग्रीन का भी अमीनो एसिड आ चुका है, और जो ब्लू कलर में हमारे पास शुरू में यहां पी साइड पे था वो ई साइड पे जा चुका है, और फर्दर यहां पे क्या होगा, जो tRNA यहां से डिसोसिएशन स्टार्ट हो जाएगी, कोई एग्जिट साइट होती है ये ई वाली, तो यहां से क्या करेगा, देखिए इस tRNA को यहां से निकाल देगा। नेक्स्ट टाइम में देखेंगे हमारे पास ग्रीन कलर में tRNA यहां पे आया था, ठीक है, वो पी साइड के ऊपर आ चुका है, अभी देखिए वो प्रोसेस सेम वही आ चुका है, और इस तरीके से ये प्रोसेस रिपीट होता रहेगा। 20 अमीनो एसिड के 20 tRNA यहां पे अकॉर्डिंग टू जो है कोडान आते रहेंगे, और ये एलॉन्गेशन का प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा।
ओके जी, अब इसके बाद हमारे पास लास्ट स्टेप है वो क्या है, टर्मिनेशन। टर्मिनेशन जैसे आपको नजर आ रहा होगा, ई साइड भी हमारी ऑक्यूपाइड है, पी साइड भी ऑक्यूपाइड है, हमारे पास येलो कलर में ए साइड जो अभी फ्री है, और ए साइड में नीचे हमारे पास अगर एमआरएनए में जो है यूएए यानी कि या यग यगा मैंने आपको बताया था, अगर इनमें से कोई एक स्टॉप कोडॉन यहां पे आ जाता है तो वो स्टॉप कोडॉन के अकॉर्डिंगली यहां हमारे पास कोई भी जो है टीआरएनए नहीं होगा, तो यहां पे हमारे पास जो है वो टर्मिनेशन फैक्टर आएगा जिसको हम कहते हैं आरएफ1। तो आरएफ1 जो है वो ए साइड येलो कलर में आके क्या कर जाएगा, बाइंड कर जाएगा, ये देखिए यहां बाइंड कर जाएगा। अब ये ए यानी कि यूए के साथ उसका जो है वो यहां पे तो आके ये बाइंड करेगा, लेकिन इसके पास कोई अमाइनो साइड नहीं होगा, तो ये आगे मूवमेंट जो है यहां पे स्टॉप हो जाएगी। जैसे ही मूवमेंट स्टॉप होगी तो यहां से हमारे पास जो है पॉलीपेप्टाइड चेन यहां से क्या हो जाएगी, क्लीव हो जाएगी, टूट जाएगी, देखिए यहां से क्लीव होगी है, और यूं हमारे पॉलीपेप्टाइड चेन जो है साइटोप्लाज्म में प्रोटीन की फॉर्म में आ चुकी है, और यहां पे ये जो आपको चेन नजर आ गई हमारी क्या है, प्रोटीन सेंसेस है। ओके जी, अब इन तमाम स्टेप्स को सुनने के बाद आपको ट्रांसलेशन की जितने भी कॉन्सेप्ट है वो जरूर समझ आ चुकी होंगे। अगर फिर भी कोई इश्यू है तो आप मेरे चैनल में इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके लिखिए, मैं आपको उसका रिप्लाई करूंगा। गुड लक विद योर लर्निंग ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सीरीज।